नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो होने वाली है दुबई वालों के लिए। जितने भी लोग दुबई की यात्रा करने वाले हैं, इस वीडियो को अपना 2-3 मिनट देख के ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आपको आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों, बेसिकली बात ऐसी कि दुबई में इस वक्त काफी ज्यादा लोग विजिटिंग वीजा लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर जो क्राइटेरिया है उसको फिक्स कर दिया गया है और दुबई सरकार उसको लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। तो अगर आप जो नियम बताए गए हैं उनका पालन नहीं करेंगे या जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो 100% चांसेस है कि आपको दुबई जाकर दुबई एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। इसकी जो भरपाई है वो आप करेंगे, इसके जिम्मेदार पूरे पूरे आप होंगे। आपको करना क्या है आप सुन लीजिए। अगर आपके पास विजिटिंग वीजा है तो आपके पास 2000 दिरहम यानी करीब करीब 45,000 रुपए होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, ताकि आप उनको शो मनी के तौर पर शो कर सकें कि हमारे पास 2000 दिरहम है। दुबई काफी ज्यादा महंगा है तो इतना पैसा वो मांग रहे हैं इस समय कि इतना पैसा दिखा दो और एंट्री कर लो। दूसरी चीज क्या रिक्वायरमेंट है, दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास कंफर्म, कोई भी लोचा नहीं होना चाहिए, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए फ्लाइट की कि आप इस डेट को दुबई छोड़कर जा रहे हैं वापस अपने देश में। कहीं से भी आप आ सकते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आ रहे हैं, पर आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए वापस जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है यहाँ पर होटल बुकिंग। आप कहाँ पर ठहरने वाले हैं दुबई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी बुकिंग भी करवा लीजिए और बुकिंग पेड करवाएंगे सभी कंफर्मेशन होगा, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पर इस वक्त ये सिनारियो बन चुका है, इतना स्ट्रिक्ट हो गई है दुबई गवर्नमेंट कि वो फोन लगाकर पूछ रहे हैं उस होटल में कि आपके पास इस नाम की बुकिंग है, कन्फर्म है कि नहीं है, क्या है, क्या सिनारियो है, पूरा सीन है। तो देखिए, अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो आपने जो पैसे लगाकर जो फ्लाइट आपने ली है दुबई तक के लिए, उस फ्लाइट के पैसे चले जाएंगे, आप जाकर वहां पर स्टक हो जाएंगे, आपको फिर वापस भेजने की तैयारी होने लगेगी, आप काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन में चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि पहले से ही इन क्राइटेरिया को अगर आप कंप्लीट करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट आप रखते हैं सही सलामत, तो ही आप दुबई की यात्रा करें, अन्यथा इस वक्त यात्रा ना ही करें तो अच्छा है। पर अगर आपको जरूरी है यात्रा करना तो इन सब मानकों पर आपको खरा उतरना होगा, तो ही आप दुबई की यात्रा कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं इस 2 मिनट के वीडियो से आपको वो सभी जानकारी मिल गई होगी जो आपको चाहिए इस वक्त दुबई जाने के लिए, और साथ में जो नेगेटिव PCR टेस्ट है वो तो कंपलसरी ऐसे ही, बाकी सब एयरलाइन से आप कंफर्म कर सकते हैं। बाकी ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको आप दिमाग में बिठा के रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त नायक, मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।